नमस्कार, बीसीएन न्यूज के doctors.com में मैं विशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि doctors.com इस शो का उद्देश्य है आप तक ऐसे एक्सपर्टाइज डॉक्टरों को पहुंचाना हमारे माध्यम से, जो आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अधिक जानकारी साझा करेंगे। साथ ही अगर उससे जुड़ी आपके दिमाग में या फिर आपके दिल में कोई आशंका है तो उसका निवारण भी इस सेशन में हम डॉक्टर्स के द्वारा करा देते हैं, जहाँ पे वो सारी जानकारी बताते हैं। अब इसी श्रृंखला में हम लोग केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं और आज ऐसे ही एक डॉक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर, जो नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है और HOD इन नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट केयर हॉस्पिटल में है, वो हमारे साथ है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस doctors.com शो में। और आज हम सर से चर्चा करने वाले किडनी इस विषय पर। और जब हम किडनी की बात करते हैं तो बहुत बार ये जो सवाल आता है कि किडनी फेलियर ये क्या होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किडनी फेलियर और किडनी से जुड़ी जितने भी डिसीज है इसके बारे में। तो किडनी फेलियर मतलब किडनी का कमजोर होना, किडनी कम काम कर रही है और जब कम काम करती है तो शरीर से कचरा कम निकलता है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। जो अक्यूट होता है वो अचानक हुआ है और जो क्रॉनिक है वो कई दिनों से हुआ है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये एक बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और उसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, खुद के हेल्थ पे, फैमिली के सारे सिस्टम पे, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है और ये एक काफ़ी खर्चीली बीमारी है। इसके 5 चरण होते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं बीमारी के बारे में कि 3 चरण होते हैं, stage 1, stage 2, stage 3। किडनी की बीमारी के, क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं और 5वें स्टेज में, 5वें चरण में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम, हो सकता है कि अगले स्टेज में जाने से इसको रोक पाए। तो किडनी फेलियर इज बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज। ओके सर, जिस तरीके से आपने किडनी फेलियर की बात की, एक सवाल था कि क्या किडनी से जुड़ी बीमारियों में कहीं ना कहीं बीपी और शुगर, इनका होना रोल प्ले करता है, मतलब इसके बारे में जानना था। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि किडनी की बीमारी के कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण दुनिया में शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। ठीक है, तो अगर 10 डायबिटीज के मरीज ले लिए जाए तो उनमें से 5 लोगों को किडनी की बीमारी हो सकती है। उनका भी सही है, अगर हम 10 किडनी के मरीज ले लें तो उसमें से 5 मरीजों को किडनी का प्रॉब्लम जो है वो शुगर की वजह से हुआ है। तो ये 2 सबसे बड़े कारण है। तीसरा कारण है हमारे किडनी की अपनी बीमारी। और एक कारण हो सकता है जिसको, क्योंकि काम कॉमन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि दवाइयों का सेवन खुद से जो करते हैं किसी, बिना किसी कारण के या ये सोच के कि हमको बस इन गोलियों की ज़रूरत है, उनमें कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आमतौर पे पेन किलर्स लिए जाते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर पेन किलर्स लेते हैं तो किडनी को नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां जिनकी, जिनमें भस्म होते हैं उसकी वजह से किडनी को नुकसान हो सकता है। तो इन दवाइयों का सेवन खुद से करने से पहले उससे हो सकता है किडनी को चोट लग जाए। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि बहुत लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं अपने ही मन से, अपने ही हिसाब से, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हमें किसी भी डॉक्टर से पहले तो कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही जो मेडिसिन है वो हमें लेनी चाहिए। सर, कहा जाता है कि इंसान एक किडनी के सहारे कैसे तो भी जी सकता है, पर अगर टोटल किडनी फेलियर हो गया, मतलब दोनों किडनी फेल हो गई, तो क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल, तो हम किडनी के बीमारी के चरणों की बात कर रहे थे, स्टेजेस की बात कर रहे थे। स्टेज 5 में डायलिसिस लगता है। स्टेज 5 को हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल किडनी फेलियर है, मतलब किडनी हमारी 15% भी काम नहीं कर रही है, 10% भी काम नहीं कर रही है। तो ऐसे स्टेज में किडनी का काम है शरीर से कचरा निकालना। अगर ये कचरा नहीं निकल पा रहा है तो इसी कचरे को हम आर्टिफिशियल तरीके से, मशीन के सहारे से निकालते हैं और इस बात को डायलिसिस बोलते हैं, इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। एक तरफ ये बात है कि हम हर कुछ दिनों में शरीर का ब्लड का शुद्धिकरण करें, जिसको डायलिसिस बोलेंगे, या हम नई किडनी लगा लें, किडनी का प्रत्यारोपण कर लें। तो सवाल का जवाब ये है कि टोटल किडनी फेलियर भी हो जाए तो रास्ता आगे है, इलाज आगे है, हो सकता है डायलिसिस या प्रत्यारोपण में से कोई एक इलाज आपके लिए सही हो।
जिस तरीके से सर आपने अभी डायलिसिस का जिक्र किया, कई पेशेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर टोटल किडनी फेल हो गई तो उसके बाद डायलिसिस करने से भी मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा सक्सेस नहीं मिलता है, और उसके एक हफ्ते या एक डेढ़ महीने में ही जो है इंसान की डेथ हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या डायलिसिस एक बुरा इलाज है या फिर या इसमें कुछ और भी बातें हैं? डायलिसिस को आमतौर पे लोग बुरा मानते हैं, बुरा सोचते हैं, या उसके बारे में बस बुरा ही सुनते हैं। लेकिन ये जो जानकारी आती है, सवाल ये आता है कि जानकारी किस तरफ से आ रही है। ये जानकारी केवल एक लूज टॉक से नहीं आनी चाहिए, ये जानकारी केवल एक लूज डिस्कशन से नहीं आनी चाहिए, ये जानकारी एक्सपर्ट से आनी चाहिए। किडनी की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले लोग इस देश में तो काफ़ी कम है। मैं ये आमतौर पर बोलता हूँ, मरीजों को भी बोलता हूँ कि हमारे देश में टाइगर्स ज्यादा है और किडनी के डॉक्टर कम है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि टाइगर्स तो मतलब एंडेंजर्ड स्पेसीज है, तो अगर यही बात हम किडनी के डॉक्टर को लागू करें तो किडनी का डॉक्टर स्वयं एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो कहने का मतलब है कि किडनी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले बंदे आपके साथ रोज उठना बैठना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ रोज उठ बैठ नहीं रहे हैं तो पूरी जानकारी देने वाला बंदे से आप रोज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बंदा आपको डायलिसिस के बारे में बता रहा है शायद उसको खुद को पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जानकारी लीजिए, एक्सपर्ट से लीजिए, एक्सपर्ट वेबसाइट से लीजिए, किसी फेक वेबसाइट या किसी क्वैक वेबसाइट या किसी क्वैक से मत लीजिए। तो एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। दूसरी एक बात जो हम सबको बताते हैं कि कोई भी किसी भी बीमारी का इलाज ये एक मानवतापूर्ण कार्य है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। अगर कोई और कोई भी मानवतापूर्ण कार्य किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बना है, तो डायलिसिस किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बनी है, डायलिसिस आपका तकलीफ कम करने के लिए बनी है। ठीक है, तो डायलिसिस वैसे भी शरीर में अंदर चल रहा है, किडनी हमारी खून की सफाई कर रही है, यही सफाई अगर हम मशीन से करते हैं तो वो अचानक बुरा क्यों हो जाता है? तो डायलिसिस बुरा नहीं है, आपके शरीर से वो कचरा निकाल रहा है और आपके शरीर के ब्लड का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो बल्कि डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, जीवन रक्षक इलाज है, कोई भी जीवन रक्षक इलाज बुरा नहीं हो सकता। सर जिस तरीके से आपने कहा कि बेहद जरूरी है ये कुछ लोगों के लिए जानना कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन की या फिर मेडिकल कंसल्टेंट से कोई भी कदम उठाए नहीं, मतलब बहुत बार लोग सिर्फ कही सुनी बातों से ये जज कर लेते हैं कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी नहीं है, और ये ज्यादातर मामलों में देखा भी गया है कि लोग अपने ही हिसाब से राय दे देते हैं और स्पष्टीकरण दे देते हैं, पर जरूरी ये है कि अभी किसी भी मेडिकल डॉक्टर से या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कराना जरूरी है और उस चीज के बारे में अधिक जानकारी लेना जरूरी है। सर एक और सवाल मेरा आपसे था कि बहुत बार ये भी देखा गया है कि किडनी के जो मरीज होते हैं उन्हें खाने पीने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि इसका कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। खाने पीने से लोगों को लगता है कि परहेज करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ये उस समय की बात थी जब साइंस इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। जब साइंस प्रोग्रेस नहीं हुआ था हम सोचते थे आज मुझे कुछ बुरा लग रहा है, कल मैंने क्या खाया था, और उन दोनों चीज़ों को जोड़ देते थे। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि आज हमको बुरा क्यों लग रहा है ये हम एक टेस्ट से बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो किसी खाने की चीज़ से आया है। तो परहेज का जो मामला है वो उन पुराने धारणाओं से आया है। तो खैर, बीमारी अगर है तो कुछ परहेज जरूर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक साधारण वेजिटेरियन, इंडियन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो लगभग, अगर आप डॉक्टर के मुंह से सुनेंगे तो लगभग आपको कोई भी परहेज नहीं है। भले ही आपको किडनी की बीमारी है, भले ही आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, अगर आप वेजिटेरियन, सिंपल इंडियन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो आपको लगभग कोई भी परहेज नहीं है। केवल पोटेशियम के हिसाब से हम एक या दो परहेज बताते हैं। ये नहीं है कि दाल बंद कर देना है, पनीर बंद कर देना है, दूध नहीं लेना है, कोई भी मसाले वाली खट्टी चीज़ें नहीं लेना है, ऐसा नहीं। आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, थोड़े से एक दो परहेज जरूर रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। सर अगर बात की जाए कि डायलिसिस पर ये ट्रांसप्लांटेशन प्रत्यारोपण की लाभों की तो क्या विशेषताएं होती है, इसमें क्या लाभ होते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि डायलिसिस से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है।
जो हम हफ्ते में 3 बार 4 4 घंटे 6 6 घंटे अस्पताल में गुजार रहे थे उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा प्रमाण है, परिणाम जिसको बोलते हैं, परिमाण है कि उसको देख के हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ अचीव करने के लिए कोई इलाज करना कितना ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो डायलिसिस पे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ट्रांसप्लांट पे है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ट्रांसप्लांट होने के बाद हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, हमारे वर्क प्लेस में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, हम हमारा जॉब मेंटेन रहता है, हमारा इनकम मेंटेन रहता है, इंप्रूव हो सकता है, दिन भर हम फुर्ती से काम कर सकते हैं, और इतना ही नहीं हमारा सर्वाइवल भी इंप्रूव हो जाता है। आज अगर 100 लोग डायलिसिस चालू कर रहे हैं तो 5 साल बाद का जो सर्वाइवल है वो केवल 50% है, लेकिन आज अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो 5 साल बाद का सर्वाइवल 80 to 90% है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। अगर हम खर्चे की बात करें, कहते हैं कि ट्रांसप्लांट खर्चीला है, लेकिन अगर हम 5 या 7 साल का कैलकुलेशन करें कि हमने डायलिसिस पे कितना खर्चा किया, हमने ट्रांसप्लांट पे कितना खर्चा किया, सारा गणित हो चुका है। ये गणित देख के मालूम पड़ता है कि नहीं, ट्रांसप्लांट तो लंबे समय में बल्कि सस्ता पड़ता है। तो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो उतनी ही कीमत में हमको ज़्यादा क्वालिटी की मिल रही है और ज़्यादा हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रही है, हमको क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी दे रही है, तो आई एम श्योर कि ये एक बेटर ट्रीटमेंट है। ऑब्वियसली एक बेटर ट्रीटमेंट है। सर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसप्लांट की, तो एक और टर्म है कैडमर किडनी ट्रांसप्लांट। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या है ये और इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे। तो ट्रांसप्लांट जब हम बोलते हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें डोनर जो है वो फैमिली मेम्बर होता है, खून का रिश्तेदार होता है। दूसरा है कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। कैडेवर मतलब एक मेंदू मृत व्यक्ति, मेंदू मृत मस्तिष्क मृत व्यक्ति, जिसको सिर पे चोट लगी है या सिर में हेमरेज हो गया है और वो आईसीयू में भर्ती है और पूरे लाइफ सपोर्ट पे है, और बल्कि ब्रेन इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है कि वो ठीक नहीं होने वाला है। इसका मतलब मेंदू की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उस समय हमारा हार्ट चल रहा है, हार्ट चल रहा है, और हार्ट चल रहा है तो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें लंग्स शामिल है, हार्ट शामिल है, लीवर शामिल है, किडनी शामिल है। ऐसे जो मरीज होते हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस बात की परमिशन देते हैं कि हाँ, हमारे मरीज के आप ऑर्गन्स किसी ऐसे मरीज को लगा सकते हैं जिनको किडनी फेलियर है, जिनको लीवर फेलियर है, जिनको लंग्स की ज़रूरत है, जिनको हार्ट की जरूरत है। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड सिस्टम है और जिसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ब्लड ग्रुप के हिसाब से, ऑर्गन के हिसाब से सारे लिस्ट मेंटेन करती है। पूरे गवर्नमेंट के देख रेख में इस लिस्ट का मैनेजमेंट होता है और सारे जो ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स हैं इसके सदस्य होते हैं। तो जैसे ही कैडावर के बारे में जानकारी मिलती है, इस कमेटी को जानकारी जाती है और वेट लिस्ट के हिसाब से रेसिपियंट्स को बुलाया जाता है। ज़रूरी ये है कि आपको समझना, कॉमन मैन को समझना कि हाँ, किसी समय ऐसा वक्त आ सकता है जहाँ पे हो सकता है मेरे ऑर्गन्स किसी के काम आए, और इसीलिए आपने ऑर्गन को प्लेज करना है, हम अवयव दान करने के लिए तैयार है, इस बात को समझना है। किसी ज़रूरतमंद को हो सकता है आपकी किडनी लग जाए, आपका लीवर लग जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसे कोई हादसा हो, लेकिन हो सकता है आपके ऑर्गन्स किसी के काम आए। कहीं ना कहीं ये ऑर्गन डोनेशन जैसा ही कुछ है। और सर कहीं ये ज़रूरत है अभी कि अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिसके बाद आपके रिलेटिव्स या कभी आपको लगता है कि हाँ, मैं बॉडी मतलब मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर सकता हूँ, तो आपको करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो प्रशासन है वो बार बार आह्वान कर रहा है इस चीज़ को लेके। सप्ताह भी हमारे यहाँ पे शुरू है जिसके तहत बताया जा रहा है इस चीज़ के इम्पोर्टेंस, और अगर ऑर्गन डोनेशन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी और को हमारी वजह से जीवन दान भी मिल सकता है। सर एक और सवाल था कि बहुत बार जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप इस चीज़ की बात आती है, तो अगर ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति बात करते अगर मेरी कि अगर मैं किसी को ब्लड डोनेट कर रही हूँ, मतलब किडनी डोनेट कर रही हूँ, तो उसमें ब्लड ग्रुप कितना मैटर करते हैं, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप सामने वाले से मैच नहीं करते हैं तो क्या मैं किडनी डोनेट कर पाऊँगी।
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम लिविंग किडनी डोनेशन की बात करते हैं, फैमिली रिलेटेड डोनर या लिविंग किडनी डोनेशन की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप ये सबसे पहला पड़ाव होता है। ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको देने वाला व्यक्ति या तो ए हो या ओ हो। ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। तो कई बार ब्लड ग्रुप मिलता नहीं है, कई बार किसी का ब्लड ग्रुप ए है, देने वाले का ब्लड ग्रुप बी है, या उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जैसे ए और बी का एक पेयर है, ये एक फैमिली हो गई, उसी तरह से बी और ए का दूसरा एक पेयर है, दूसरी फैमिली है, ये आपस में मिल सकते हैं। दूसरी फैमिली का बी इस फैमिली के बी को दे सकता है, और इस फैमिली का ए इस फैमिली के ए को दे सकता है, और इस तरह से हम एक्सचेंज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक बात होगी कि जहाँ पे एक्सचेंज या स्वाप किडनी ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, ये लीगली वैलिड है, इसकी एक लीगल प्रोसेस के तहत मान्यता मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या हम ब्लड ग्रुप के विरुद्ध जाके किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट। कई बार ओ ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के लेने वाले मतलब रेसिपिएंट और ए बी ब्लड ग्रुप के देने वाले मतलब डोनर, इनके साथ हम एक्सचेंज भी नहीं कर पाते हैं, और ये मरीज कई बार ब्लड ग्रुप कंपैटिबल डोनर होने के अभाव की वजह से ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हम ब्लड ग्रुप के विरुद्ध जाके भी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें रिस्क जरूर ज़्यादा है, लेकिन ऐसे बंदे को जो जिसके पास ना कोई लिविंग डोनर है, जिसके लिए एक्सचेंज संभव नहीं है, और जो कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट में वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि वेटिंग रहता है, 4 या 5 साल का वेटिंग रहता है, वेट नहीं करना चाहता है, वेट नहीं कर सकता है, ऐसे मामलों में अक्रॉस द ब्लड ग्रुप एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। मतलब संभव है, अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट रहा फिर भी संभव है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा है पर ये सारी चीजें संभव है, और संभव जिस तरीके से हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं इन सारी चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पॉसिबल है। सर, जिस तरीके से हम लोग आज किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं, आपने हमें बताया कि किस तरीके से बीपी और शुगर एक कारण हो सकते हैं इस चीज का। मैं आपसे और एक चीज जानना चाहती हूँ कि इसकी और क्या वजह है जिसके कारण किडनी फेल होती है। हमारे देश में एक तो शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा, जैसे हमने बात की पेन किलर्स और ऐसी दवाइयाँ जिसमें फंस में होते हैं, फिर एक कारण है अननोन रीज़न। तो कई बार हमारे देश में यह होता है कि हम स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, हम थोड़ी सी तकलीफ होने पर एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं, हम कई बार बहुत सारी तकलीफ हो तभी पहुँचते हैं। तो उस स्टेज पे ये नज़र आता है कि किडनी की बीमारी काफ़ी आगे बढ़ गई है, और इस स्टेज पे हम उसका कारण नहीं मालूम कर सकते हैं। भले ही हम किडनी बायोप्सी कर ले, तो भी हमको कारण कई बार नहीं मालूम पड़ सकता है। तो ये एक कैटेगरी है जिसको बोलेंगे अननोन रीज़न ऑफ किडनी फेलियर। तो ये एक कैटेगरी हमारे देश में कहीं ज़्यादा है। तो ज़रूरी ये है कि हम रेगुलरली स्क्रीनिंग करें। अगर हमको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या हमारी फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या हमको पास्ट में कभी पैरों पे सूजन आई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ऐसी कोई समस्या हुई है, तो हमने किडनी की जांच करना है। नॉर्मल आती है तो साल में एक बार बिल्कुल करना है। तो स्क्रीनिंग एक ज़रूरी का हिस्सा बन जाना चाहिए हमारे लिए। मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट ये जरूरी है। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको खुद में चेंजेस फील हो रहे हैं या फिर जरूरत लगती है कि डॉक्टर से कंसल्ट करनी है तो आपको बेहद वो करनी ही चाहिए। सर, एक और सवाल था कि क्या किडनी के फेलियर या फिर किडनी डिसीज को हम जेनेटिक्स इससे जोड़ सकते हैं? कई सारे जेनेटिक बीमारियां हैं, अनुवांशिक बीमारियां हैं जो किडनी को नुकसान कर सकती है। एक जो उनमें से कॉमन है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। किडनीज में सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे बन जाते हैं जिनमें यूरिन भरा होता है, और ये बाकी किडनी से कनेक्शन में नहीं रहते हैं, बस वहाँ पड़े रहते हैं। तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता है, नंबर भी बढ़ता है, और धीरे धीरे किडनी को नुकसान करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये अगर माता या पिता को है तो बच्चों को भी होने की भारी संभावना रहती है। तो अगर किसी को मालूम पड़ती है तो घर के सभी लोगों ने इसके बारे में स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे, यूरिन से बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन जाता है। इसके कई सारे कारण जेनेटिक रूप में होते हैं और ये भी एक बड़ा हिस्सा है किडनी की बीमारी होने का, जो क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अंत में जो किडनी फेलियर के रूप में आते हैं, कई बार शुरुआत जेनेटिक हो सकती है। तो हाँ, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कभी कभी हम उसके तह तक भी जा सकते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक महंगा टेस्ट हो सकता है, लेकिन हम उसके तह तक जा सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या मतलब किस तरीके का खान पान हमें रखना चाहिए किडनी डिसीज को खुद से दूर रखने के लिए, इस बारे में जानना चाहिए। तो किडनी डिजीज प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है, ये अगर इसका संक्षिप्त सा जवाब ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। किसी खाने से ये जुड़ा हुआ नहीं है, कोई चीज़ खाने से किडनी की बीमारी नहीं होती है। हेल्दी रहना ज़रूरी है, मोटापा नहीं होना चाहिए। वेट गेन आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, तो मोटापा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कैजुअली मेडिसिन लेना, इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। पेन किलर्स या दूसरी दवाइयाँ हम खुद से अपने आप से ले लेते हैं, ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। अगर हमको शुगर है, कई बार हम देखते हैं कि सालों तक मरीज़ शुगर के डॉक्टर के इलाज कर रहा है, केवल शुगर के रिपोर्ट नज़र आ रहे हैं, किडनी के रिपोर्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये स्क्रीनिंग हमने खुद से करवाना चाहिए, डॉक्टर साहब को पूछना चाहिए, डॉक्टर साहब क्या आपने मेरी किडनी चेक कर ली है। तो क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन, ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीनिंग ही हमको अर्ली डिटेक्शन देगा। और रेगुलर फॉलोअप रखना ज़रूरी है। अगर आपको अर्ली डिजीज है तो रेगुलर फॉलोअप जरूर रखिए। ओके तो कहीं ना कहीं अच्छा खान पान, हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, साथ में मेडिकल का मतलब डॉक्टर्स का प्रॉपर कंसल्टेशन, वो भी प्रॉपर टाइम इंटरवल में, अगर ये सारी चीज़ें हमने की तो कहीं ना कहीं किडनी की डिसीज़ या फिर किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी से हम थोड़ा बच के रह सकते हैं और दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के हमारे इस मुलाकात में आप या हमारे साथ शामिल हुए, आपका कीमती समय आपने दिया। और केयर हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर सर थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, साथ ही किडनी से जुड़े सारी जितनी भी फेलियर है या फिर किडनी डिसीजेज है उनके बारे में अधिक जानकारी साझा की। हमारे इस डॉक्टर्स.com इस शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।